नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, 10 अगस्त को आप सभी के एग्ज़ाम्स हैं और इस एग्ज़ाम्स में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश विषय में दक्षता और साथ ही साथ विभागीय योजनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों, 60 क्वेश्चंस में आपके 24 प्रश्न सही होने आवश्यक हैं। 24 प्रश्न अगर आपके सही नहीं होते हैं तो इसके अभाव में आपकी जो इस पद के लिए या इसके लिए जो जिम्मेदारी है या इसके लिए आपकी जो दावेदारी है वह समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, अब अंतिम समय है, आप किस तरह से विभागीय योजनाएं और अंग्रेजी में दक्षता से संबंधित या इंग्लिश विषय से संबंधित क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सके, इसके लिए मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सोच समझ के कीजिएगा और जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हीं को कीजिएगा। 12 नंबर आपको 30 में से 12 लाने आवश्यक है, यानी कि 40% जो पासिंग मार्क का जो क्रिटेरिया है वह पार करना आवश्यक है इस के लिए या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में चयन के लिए। तो देखिए, शिक्षा विभाग की या विभाग की बहुत सारी जो योजनाएँ संचालित हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मैंने इस बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया। हो सकता है ये योजनाएं आपसे पूछी जाएं या इनमें आपको कुछ नंबर गेन करने में हेल्प मिले। तो देखिए, बाल गोपाल जो योजना है उसमें क्लास 1 से 5 और 6 से 8 यानी कि 1 से 8 तक, इसमें 15 ग्राम जो पाउडर है 1 से 5 के लिए यानी कि 150 ml और 20 ग्राम यानी कि 200 ml दुग्ध बनाया जाता है। ये योजना 29/11 यानी 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी और इसमें 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं यानी कि जो MDM जिनको वितरण होता है वो सभी इसमें लाभान्वित होते हैं। साथ साथ देवनारायण स्कूटी वितरण योजना ये 2011-12 में संचालित थी, इसमें MBC जैसे गुजर, गाड़िया, लोहार, वो हैं, बंजारा हैं, गडरिया हैं, वो इसमें आते हैं यानी कि इससे लाभान्वित होते हैं। CM यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, तो दोस्तों ये पिछले साल ही चालू हुई थी 29/11/2022 को। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको 2 सेट निःशुल्क जो ड्रेस है स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की जाती है। इसमें सिलाई के लिए उनको जन आधार कार्ड के माध्यम से DBT के माध्यम से 200 रुपये सिलाई के डाले गए थे। साथ ही साथ 1 से 8 तक के बच्चों को ये ड्रेस 2 सेट प्लस 200 रुपये सिलाई के लिए ये अलग से दिए थे। अब देखिए आगे, MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना यानी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने की जो योजना है वो 19 जून 2019 से स्टार्ट हुई। साथ ही राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना 2021 20 फरवरी 2021 से शुरू हुई। साथ ही साथ मेघावी छात्रों के लिए यानी कि 200 मेगावी छात्रों का इसमें चयन किया जाता था, बाद में 300 और बढ़ा दिया गया यानी कि 500 छात्रों का इसमें चयन किया जाता है इस स्कॉलरशिप योजना के तहत। कालीबाई व्हील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना यानी कि कालीबाई के नाम से आप सब जानते हैं डूंगरपुर रास्ता पाल की घटना से, उनके सम्मान में ये योजना चालू की गई। इसमें इस योजना को 24 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया गया। परिवार की जो वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होने वाले वो इसमें पात्र हैं और इसमें छात्राओं को यानी कि गर्ल्स को छात्राओं को दोस्तों इसमें स्कूटी वितरण से संबंधित है और इसमें पात्रता की जो शर्तें हैं राजस्थान बोर्ड से 65% और CBSE से 75% से अधिक अंक होने आवश्यक है। साथ ही साथ RKSMB राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम, इसमें 3 चरण में एग्जाम्स हुई थी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम्स हुई थी इसमें छात्रों का स्तर जानने के लिए। राजश्री योजना है, ये बालिका के जन्म पर वहाँ से लेकर उनकी 12th तक की जो एग्ज़ाम या क्रैक करती है वहाँ तक 50,000 का जो राशि दी जाती है। इंस्पायर अवार्ड योजना, ये बाल नवाचार, बाल वैज्ञानिक तैयार करने के लिए 6 से 10 तक के बच्चों को अगर उनका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो ये 10,000 रुपये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं डायरेक्ट। छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक SC ST OBC सभी के लिए। साथ ही साथ MDM जो मिड डे मील है मध्यान्ह भोजन, वो
एक से आठ तक के बच्चों साइकिल के साइकिल वितरण जो है और ट्रांसपोर्ट वाउचर, ये योजना गर्ल्स के लिए है। साइकिल वितरण कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले सभी छात्राओं को दी जाती है। साथ ही साथ ABL किट, ये कला किट्स वगैरह हैं, इस तरह के भी वितरण किए गए थे लेटेस्ट अभी रिसेंटली। तो साथियों ये बहुत सारी योजनाएं और भी अन्य प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी योजना कब संचालित हुई थी, कौन सी योजना में कितना अमाउंट्स डाला जाता है और कौन सी योजना में कौन कौन पात्र हैं और पात्रता की शर्तें क्या हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको विभागीय योजना से संबंधित, साथ ही साथ प्रधानाचार्य पद के लिए लीडरशिप यानी कि नेतृत्व क्षमता किस तरह से उसमें संवर्धन किया जाए और किस तरह से एक प्लानिंग के तहत नेतृत्व किया जा सके, लीडरशिप अच्छी हो, तो लीडरशिप से संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। पांच क्वेश्चन इससे बनेंगे, पांच क्वेश्चन विभागीय योजना के बनेंगे प्रधानाचार्य पद के लिए, और 50 जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी विषय से यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित बनेंगे, जिसमें ग्रामर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ जो व्याख्याता से तृतीय श्रेणी अध्यापक सेकेंड ग्रेड वगैरह या तीनों की हम बात करें, तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता, उनके लिए 10 क्वेश्चन विभागीय योजना से हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और इंग्लिश जो विषय है वो तो आप सबके लिए है सरी कॉमन। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको कुछ हेल्प मिले। धन्यवाद, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।